अगर है अपनी सेहत से प्यार तो करें सब्सक्राइब माय उपचार और बेल आइकन दबाएं हर दिन हेल्थ टिप्स पाने के लिए। नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हम आपको विराहा टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। यह एक एलोपैथिक दवा है जिसका निर्माण माइक्रोलैब्स कंपनी करती है। यह एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि इसे डॉक्टर के पर्चे के बिना किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदा नहीं जा सकता है। यह किस बीमारी में काम आती है? इसका प्रयोग पुरुषों में अस्थायी स्तंभन दोष के उपचार में किया जाता है। आइए जानते हैं यह दवा कैसे काम करती है। यह दवा लिंग की रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों को आराम देकर लिंग में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है और यौन क्रिया के दौरान लिंग में तनाव देने में सहायता करती है। आइए इसके खुराक के बारे में जानते हैं। अधिकांश रोगियों को इस दवा की 50 mg टैबलेट ही दी जाती है। इस दवा का सेवन आवश्यकता पड़ने पर यौन क्रिया से लगभग 1 घंटा पहले या डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए, परंतु हर पुरुष पर इसका प्रभाव अलग अलग होता है, इसलिए डॉक्टर इसकी 25 से 100 mg की टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब इसके दुष्प्रभावों के बारे में जानते हैं, जैसे सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, बैक पेन, चक्कर आना और अपच। कुछ रेयर मामलों में हेयरिंग लॉस और विजन लॉस भी हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इस दवा से संबंधित कुछ सावधानियों के बारे में। अगर इस दवा को लेने के बाद स्तंभन यानी इरेक्शन 4 घंटे से ज़्यादा देर तक रहता है तो मरीज को आपातकालीन उपचार लेना चाहिए। यदि आपको लो बीपी, हृदय रोग और लिवर रोग है तो इस दवा का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करें। अगर आपको शराब की लत है तो ये दवा आपके लिए भी उचित नहीं है। यदि यह दवा उपलब्ध ना हो तो इसकी जगह कौन सी दवा ले सकते हैं? वायग्रा, पेनाग्रा, जेनाग्रा, कामाग्रा, मैनपिल, एडिग्रा, जैगोर, एनिग्मा, मैनफोर्स। तो यह थी विराहा टैबलेट के बारे में जानकारी। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मायोपचर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।